रुपया और 900 के बीच में बिक रहा है। कोल में कम से कम 30-30% लोगों की गुंजाइश रहेगी। 1200 और 1300 रुपए की रेंज में कोल खुलेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है गांव है इस्माइलपुर, अगर बात की जाए तो गुरसाईगंज क्षेत्र के अंतर्गत है और डिस्ट्रिक्ट है कन्नौज। और आलू की अगर बात की जाए तो भैया श्रीनाथ आलू है। और कन्नौज जिले की अगर बात की जाए तो कन्नौज में यही एक क्षेत्र है जहाँ श्रीनाथ और सिंदूरी दो आलू होते हैं और ये किसान भाई कहीं ना कहीं एक ब्रांडेड आलू करते हैं। और भाव की अगर बात की जाए तो भाव भैया चिपसोना आलू की टक्कर से भी कभी कभार ऊपर हो जाता है। तो ये स्थिति है, जानते हैं कई किसान भाई हैं और अनुभवी किसान है तो दादा जानते हैं क्या आलू की पोजीशन है, क्या अनुमान कह रहा है और क्या रेशियो में क्षेत्र में आलू की पैदावार है और क्या कोल्ड स्टोर क्षेत्र में भर रहे हैं। तो दादा सबसे पहली बात आती है कि भैया कोल्ड बताइए कि कोल्ड अपने क्षेत्र वाले इस बार भर रहे हैं कि खाली हैं? नहीं, सब तो नहीं भर रहे हैं। जिसकी फिजा है बढ़िया, लेन देन है, साफ सुथरे है तो उनके उनके भी खाली रहेंगे थोड़े बहुत। बहरहाल कुल मिला के वे 80 और 70% मान चलिए कोल्ड भर नहीं रहे। कोल्ड भर नहीं रहे। तो दादा एक बात ये जानी जाए कि हम लोग तो खेत में अपना आलू भी थोड़ा दिखा दीजिए भैया। ये देखिए श्रीनाथ आलू है और इस बार अगर बात की जाए तो हम लोग पिछली बार आए, अभी उठा लेना बात, पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार बड़ा बड़ा इसमें आलू निकल रहा था, इस बार साइज छोटा हो गया। क्या अपने क्षेत्र में सभी लोगों का इसे छोटे साइज है? हाँ, कुल मिला के कम तो है एवरेज। हाँ। पिछले साल दे रहे लगभग कितना एवरेज? अगर एवरेज पिछले साल 65-70 निकला तो इस बार है 50 के रहा, किसी 40 का भी है। हाँ। किसी का 55 का है, ऐसा एवरेज दे रहा है तुम ये एवरेज दे रहा है। तो दादा अपने क्षेत्र में अगर बात की जाए तो पिछली बार जैसा इस बार गलान हुआ था या गलान थोड़ा कम हुआ था, क्या उम्मीद है? गलान तो कम पूरे ही था, जैसे कम नहीं था तो पैदावार में कम है। पैदावार कम पैदावार। तो दादा अपने क्षेत्र में खुदाई वगैरह का क्या रेशियो है, कितने परसेंट अभी बचा होगा खेतों में आलू? ऐसे कम मानी चलिए 2-3% ज्यादा नहीं, बस खत्म है। बस खत्म है, दो एक दिन में जो आज खत्म हो जाएगा किसी कल तो ऐसे 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। होली पहले समाप्त हो जाए तो भैया होली से पहले देखिए आलू हो जाएंगे सब समाप्त, कहीं ना कहीं कोल्ड के अंदर पहुंच जाएंगे। तो दादा उम्मीद है कि आगे चल के क्या कोल्ड स्टोरेज कुछ, अभी पूरा आलू मान ले 3% है तो 3% पहुंचने के बाद फिर भी कोल्ड स्टोरेज खाली रहेगा? खाली रहेंगे। हाँ। खाली रहेंगे तो क्या है, मुश्किल है कोई, किसी में 1000 जाएंगे तो किसी में 2000 जाएंगे। हाँ। किसी में 500 जाएंगे, जीतिए जी का किसान वो ले जाएगा अपने। इस बार किसान आलू खेतों में ज्यादा बेच रहा है कि कोल्ड में भी डाल रहा? कोल्डो में डाल रहा, अपना काम भरे का आदमी की जिसे जरूरत है, किसी की शादी है, किसी का कुछ है। हाँ। किसी को उगाई उगाई लेना है लगान तो वो कुछ बेच ही रहा है। बेच रहा है। तो दादा इस बार क्या माना जाए कि कई वर्षों बाद आलू की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा कम है और भाव की अगर बात की जाए तो भाव मार्केट में इस समय ठीक ठाक है? हाँ। तो क्या उम्मीदें लगाई जाए? कई लोग कह रहे हैं कि भैया आलू का इस बार 2000 रुपया कांटा तक छुएगा, तो अनुमान क्या, आपका अनुमान क्या कहता कांटा का? तो कोई नहीं देख यार, 2000 में बिक सकता है, 700-800 में 900 बाजार खुले, कोई भरोसा नहीं। इस समय तो अगर बात की जाए तो 900 के रेंज में लगो तो 1000 रुपया और 900 के बीच में बिक रहा, 1000 के बीच। हाँ, 1000। तो ये तक कोल्ड में पहुंच जाएगा तो 200 रुपया तो उसमें तुरंत बढ़ जाएगा। हाँ, 200 रुपया बढ़ जाएंगे, प्लस पल्ले लेदारी और 150 रुपया भाड़ा, 200 हो जाएगा। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि 1200 से ऊपर बिकेगा? अब लगा तो रहे लोग अनुमान, भविष्य में आते आगे देखो क्या होता है। एक बार लोग कहते हैं कि अपने क्षेत्र का आलू ज्यादातर लोग बाहर के लोग बीज के लिए ले जाते हैं, इसी बात खाने में कम जाता है? हमारे यहाँ इलाहाबाद जाता है, इधर ग्वालियर जाता है और जबलपुर भी जाता है मंडियों में, और गालने के लिए इलाहाबाद ज्यादातर जाता है। खाने में हमें लग रहा कम जाता है? खाने में जाता है, ग्वालियर है, जबलपुर है, ये मंडी है तो खाने में ये जाता। अक्टूबर में इलाहाबाद ही आ जाएंगे, फिर हमारे यहाँ नहीं पूछता है आलू, जो साइटिंग हो जाती है। पिछली बार हम लोग देखे थे तो कहीं ना कहीं लाल गुलाल के आलू की जगह पे कंचन का बीज आप लोगों ने दिया था, ये स्थिति माहौल हो गया। हाँ, कंचन वे कुछ इलाके हैं, बिहारी आरी आते हैं, कंचन ले जाते हैं। हाँ। अपने अपने इलाके हैं। तो आपका अनुमान कुछ कह रहा है कि कितने रुपया तक बिक सकता है? अपना व्यक्तिगत अनुमान बताइए कुछ। हमारे हिसाब से 1000-1200 से ऊपर ही बिकना चाहिए, कम नहीं। कम नहीं, हाँ ऊपर ही बिकना चाहिए, 1000-1200 से ऊपर ही बिकना चाहिए। भैया भी हैं, युवा किसान है, तो भैया अगर जाना जाए, आप तो लगातार क्षेत्र में रहते होंगे, तो इस बार जिस तरीके दद्दन बताया कि आलू की पैदावार कम है तो अपने खेतों में कुछ कम है कि कुछ रेशियो लगभग ठीक ठाक है? नहीं, मेरे यहाँ तो पिछले साल के कितना निकला है, जितना पिछले साल निकला था वही रेशियो इस बार भी निकला है, उससे बढ़ के निकला है हमारा। अच्छा, मैं अपने खेत की बता रहा हूँ। हाँ। और बाकी पूरे अपने इतने इलाके की बात कर रहा हूँ, सबका आलू अच्छा निकला, सबका आलू अच्छा निकला, 50, 55, 60, 65 ऐसा रेशियो दिया है। पिछली बार तो लोग 70-70 निकाले थे। हाँ, पिछले 70-70 निकाले थे, इस बार इतना नहीं निकला है,
55 साठ का रेशो तो हर आदमी का निकला अपने अपने लगभग। ये मान के चलो कि 10 पैकेट बीघा कम है लगभग। हाँ 10-5 पैकेट तो बीघा कम है, लेकिन आलू आने वाले भविष्य में 1200 और 1300 रुपए की रेंज में कोल्ड खुलेंगे। अच्छा आप लोग जो आलू करते हैं, ये आलू खाने में जाता है कि बीज में जाता है? ये 50% खाने में, 50% बीज में। 50% बीज में, हाँ 50% जाता है। 50% यहाँ कोल्ड कुछ भरने की संभावना या उम्मीद कुछ? यहाँ कोल्ड में कम से कम 30% लोगों की गुंजाइश रहेगी, खाली रहेगी। हाँ ये जैसे अब आशा है, आशा में कम से कम आप मान के चलिए 40-50% खाली रहेगा। मतलब अगर बात की जाए तो एवरेज लगभग 30% के आसपास है कोल्ड स्टोरेज क्षेत्र में खाली रहेगा। 30% लोग कोल्ड खाली रहेंगे, तो 30% भैया रहेंगे खाली। और बात की जाए आलू की, तो भैया आलू देखिए, आलू अगर देखेंगे तो ये आलू का साइज है, और आलू की अगर देखेंगे तो कुल मिला के क्वालिटी जो है कहीं ना कहीं ठीक ठाक तरीके की है। और जिस तरीके से एवरेज पिछली वर्ष की बात की जाए तो पिछली वर्ष लगभग में किसानों का ये सरीनाथ आलू है, किसी का 70 भी निकल रहा था और किसी का 75 भी निकल रहा था। इस बार की अगर एवरेज की बात की जाए तो भैया 60 पैकेट तक लोगों का कांटा बड़ा मुश्किल से पहुंचता है, और कुछ लोगों का 45 का भी है, 50 का भी है, 55 का भी है। एवरेज अगर माना जाए तो भैया क्या लगभग 55 पैकेट का रेशियो तो आया? 55 का तो रेशियो मान ही लो आप। अच्छा 55 का, 55 का तो 55 का मान लो। तो भैया कुल मिला के अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में आलू की पैदावार लगभग में 10% के आसपास कम है, और कोल्डों की अगर बात की जाए तो भैया ए ग्रेड के कुछ ही कोल्ड स्टोरेज हैं, 2-4 भर जाए तो भर जाए, नहीं तो बाकी अधिकांश कोल्ड स्टोरेज खाली रहेंगे। ये अपडेट था इस्माइलपुर क्षेत्र का, गोसाईगंज कस्बा पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट कन्नौज का। आज की जानकारी पसंद हो तो ज्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों के पास सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। जय जवान जय किसान।